गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टू बायोलॉजी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट एंड माइक्रोस्पोरेंजियमस्पोरेंजियम विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन केस ऑफ यूर फ्लावर तो टूडे विल कंटिन्यू विद द टॉपिक और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस मेल गैमेट द प्रोसेस टर्म्ड एज माइक्रोस्पोरोसिस ठीक है तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सिंपली यू कैन एक्सप्लेन इट फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर होते हैं मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट तो जिस प्रोसेस से वो फॉर्म होते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर जेनेसिस दोनों वर्ड मिलके बनता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाउ माइक्रोस्पोर फॉर्म इन साइड माइक्रोस्पोरेंजियम तो ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम इज दैट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम विच द माइक्रोस्पोर डेवलप वहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोसोर मदर सेल बेसिकलीट टू फॉर्म मिओसाइट्स ठीक है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिफरेंशियट करके क्या फॉर्म करता है मियोसाइट्स द मियोसाइट है पावर ऑफ मियोसिस तो वो मिओसिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स तो ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि आपका दो सेल डिविजनल प्रोसेस होता है एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है माइक्रोस्फोर टेट्रेड टेट्रेड इसलिए क्योंकि चार होते हैं तो नीचे इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो दिस इज ए मियोसाइट विच इज Deployed in nature, उसका जिससे दो न्यूक्लियसोम मतलब ये जो सेल्स है ये हाप्लॉय होते हैं ना ऑल द फोर सेल्स माइक्रोस्पोर्स एंड एज बिकॉज चार सेल्स है इसको बोला जाता है माइक्रोस्फोर टेट्राइड्रा Tetra मतलब फोर तो माइक्रोस्फोर टेट्राइड सेल्स

तो कभी कभी वो एक एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए उसको कुछ मिनट्स का टाइम लग सकता है कभी कभी कुछ आवर्स लग सकता है समटाइम्स सम डेज और समटाइम्स इवन वीक्स तो इतना टाइम तक वो एटमोस्फेयर में घूमता रहेगा तो इट विल बी विल्सपोज टू ऑल द डिफरेंट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो वहां पे प्रोटेक्शन के लिए ये स्पोरोपोलोन होता है नाउ द इनर लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन व्हिच इज अ वेरी थिन लेयर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ सेलोस एंड पेक्टिन क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द सेल वॉल कंपोजिशन

Uh, Structures so with them. If you touch them, you'll find yellow powdery substance sticking to your hand. Now, that is the pollen grain. okay So, here you have the exine, the outer layer. There's an inner layer called as intine. Now, they have a tube nucleus. We'll discuss about it how it is formed and a generative cell. Now, this generative cell is the structure which actually fuses with the egg cell of the female gamete to carry out fertilization.

वो रप्चर ही नहीं हो पाएगा तो इसलिए छोटे-छोटे गैप रह जाता है, exam, ठीक है? Now, तो ये आप देख सकते हो दिस इज ए माइक्रोस्पोर जो हमने देखा था, उसका एक से लिया है न्यूक्लियस

जब ये पोलन ग्रेन फॉर्म होता है सेकेंड पॉइंट क्या है सेल ग्रोज इन साइज इट विवेप वेक्यूल ठीक है प्लांट सेल का एक प्रॉपर्टी है जनरल प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है

फॉर द न्यूक्लियर डिविजन फॉर कैरियो काइनेसिस क्योंकि हम जानते हैं कि यही स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोजोम को होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द मेटाफेज एंड ड्यूरिंग द एनाफेज दे विल स्प्लिट द क्रोमोजोम्स फॉर्मिंग टू न्यूक्लियस ड्यूरिंग द टेलोफेज ठीक है तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सेल डिविजन में इन क्लास इलेवेंथ सो एसिमेट्रिकल स्पिंडल्स दे आर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल सेल्यूलर डिविजन विच इज माइटोसिस ए लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड ए स्मॉल जेनरेटिव सेल आर फॉर्म

जर्मिनेटिव सेल या फिर जेनरेटिव सेल जो है वो पोलन ट्यूब में निकलते ही वो डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बना लेता है ओके okay? तो अब थ्री सेल स्टेज बन जाता है मतलब एक वेजिटेटिव सेल और दो जेनरेटिव सेल सो दिस जेनरेटिव सेल विल अगेन अंडर गो डिविजन फॉर्मिंग टू सेल्स सो देर विल बी थ्री सेल्स तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्री सेल स्टेज Now this three cell stage is seen in some of the angiosperms. Majority of the angiosperms, around sixty of the angiosperm, their pollen grain will be released in this two cell stage.

पहले ही डिस्कस कर लिया था वेजिटेटिव सेल लार्जर होता है जो डायग्राम में हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा और जेनरेटिव सेल छोटा सा होता है उसके अंदर फ्लोटिंग स्टेज में रहता है ना यू कैन इमेजिन दिस अगर आप एग को इमेजिन करोगे तो उसका

तो ये ये थोड़ा होता 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 है है होता है इसका साइटोप्लाज्म स्पिंडल स्पिंडल मतलब बीच वाला सेगमेंट जो है वो थोड़ा बल्ज होगा द कॉर्नर ये टेपरिंग होगा ठीक है इट विल नॉट बी कंप्लीटली स्फेरिकल द सेंटर विल बी लिटिल बिट बल्ज द कॉर्नर विल बी लिटिल बिट टेपरिंग उसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल शेप किसका स्ट्रक्चर जेनरेटिव सेल का वेजिटेटिव सेल इट इज मोर और लेसरिकल ओनली

For for like, पोलन ग्रेन का जो वेजिटेटिव सेल है इट कंटेन्सरेंट न्यूट्रिय विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दिनरेटिव सेल तो वेजिटेटिव सेल में बहुत सारा न्यूट्रेंट होता है जो जेनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सो so,

जिक भी होते हैं रिमेंबर दिस स्टूडेंट पार्थेनियम इट डाउन यार्थेनियम और इट इज ऑल्सो नोन एज कैरेट ग्रास ना ये जो पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास है दिस इज एड यू कैन से ये स्ट्रक्चर एक वीड होता है दिसन य Now, this came to India through wheat. Wheat ke aaya. Along with wheat, this came to India. And is pollen grains hai, allergic. Parthenium or carrot grass, their pollen grains are allergic in nature. They can cause allergies to different persons and sometimes respiratory disorders, like they can cause asthma, they can cause bronchitis. So this kind of diseases can also occur. I'll just write down here. Asthma and bronchitis asthma and bronchitis these are the two common diseases which are caused by this specific these are caused by this specific pollen grain of the parthenia